ग्रामर इन शॉर्ट सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी होगी, प्रेजेंट की, पास्ट की, फ्यूचर की, तीनों की हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पर सीखेंगे। कई बार क्वेश्चन आता है कि आपके सामने दो हेल्पिंग वर्ब दी जाती है और उसमें से आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चूज करनी होती है। जैसे सिंगुलर कोई वर्ड है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी, यहाँ कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। तो प्रेजेंट की बात करें हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो टेंस, प्रेजेंट के जो टेंसेज होते हैं, एक डू द डू होती है, एक डज होगी पहली हेल्पिंग वर्ब, डू डज। अब कन्फ्यूजन है कि आपको यहाँ पर सब्जेक्ट लिख दिया है सिंगुलर और एक जो है हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, तो कौन सी सिंगुलर होगी, यहाँ पर डज जो होती है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है। वाई डज ही, वाई डज राम, वाई डज सीता, तो सीता सिंगुलर है, राम सीता है, सीता जो सिंगुलर है तो डज का यूज किया जाएगा। आगे हम चलकर देखते हैं, फिर आती है इस आर एम, इसमें से सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन सी सेलेक्ट करनी होगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो एम तो स्पेसिफिक है, ये आई के ही साथ आता है तो इसका कोई लेना देना नहीं, आई है तो सीधा सीधा एम लगाना है। इसके अलावा इज जो है यहाँ पर सिंगुलर होगी, राम इज, सीता इज, कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा उसके साथ इज यूज की जाएगी। फिर हमारा आता है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का हैज, हैव, हैज अब में से कौन सी सिंगुलर है, यहाँ पर हैज जो है वो सिंगुलर है, हैव प्लूरल है। इसके आगे हम चलते हैं, हैव बीन, हैज बीन, यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, हैज बीन, ना कि हैज बीन हमारी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी। ये प्रेजेंट की जो है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स होगी। पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब्स की बात करें तो यहाँ पर दो में ही कंफ्यूजन होता है, वाज वर, इसके अलावा जो और हेल्पिंग वर्ब हैं वो सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ सेम लगती हैं। वाज वर में से यूज करें तो वाज जो है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, आई वाज, ही वाज, शी वाज, वाज का यूज करेंगे जाएगा एक वचन के साथ। फ्यूचर में भी सेम है, यहाँ पर तो कुछ करना ही नहीं है क्योंकि विल शैल यूज किया जाता है, बस आई के साथ शैल यूज करते हैं सिंपली, बाकी मोस्टली वो भी एक स्पेशल कंडीशन में की जाने लगी है, अदरवाइज आई के साथ भी विल ही यूज करने लगे हैं जो मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग। तो ज़्यादा इतना बड़ा मुश्किल नहीं है, आई हो, वी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सबके साथ विल ही यूज किया जाता है यहाँ पर, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स बिना हो।